नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। मणिपुर में 3 मई से शुरू हुई हिंसा का आज 51वां दिन है। इंफाल का चूराचांदपुर देश के बाकी हिस्सों से पूरी तरह कट चुका है। यहाँ कुकी समुदाय ने सभी रास्तों को ब्लॉक कर दिया है। उधर शुक्रवार को एक वीडियो सामने आया है जिसमें सेना के जवान ऊंचाई पर बने एक बंकर को नष्ट करते दिखाई दे रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि ये बंकर कुकी समुदाय के लोगों का था। पूर्वोत्तर के बाकी राज्यों की तरह ही मणिपुर से लोग मेघालय भी पहुंच रहे हैं, इसलिए मुख्यमंत्री के संगमा ने अधिकारियों को उन लोगों पर नजर रखने के लिए कहा है। संगमा ने कहा कि मणिपुर में हालत गंभीर है, लेकिन हमें अपने नागरिकों का भी ख्याल रखना है, इसलिए आने वाले हर व्यक्ति का रिकॉर्ड रखना जरूरी है। मणिपुर की हालत देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार 24 जून को दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई है। हालांकि इस बैठक को कांग्रेस ने बहुत लेट और नाकाफी बताया है। कांग्रेस का कहना है कि अगर मणिपुर के लोगों के साथ बातचीत की कोशिश दिल्ली में बैठकर की जाएगी तो इसमें गंभीरता नहीं दिखेगी। वहीं राहुल गांधी ने इस बैठक पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि बैठक ऐसे समय में हो रही है जब पीएम मोदी अमेरिका की यात्रा पर है, इसे पता चलता है कि यह बैठक पीएम के लिए महत्वपूर्ण नहीं है।